Hey guys, welcome back to my channel Explosive Workout Session. This is Manish. बहुत problem होती है जैसे कई लोग हैं कि जान सोच नहीं पाते, जान नहीं पाते कि कब कौन सा supplement लेना चाहिए या कौन सा supplement stack को हमें किस phase में use करना चाहिए, either वो gaining हो या leaning या shredding जो भी हो, right? So वही चीजें मैं आज clear करने के लिए आया हूँ और मैं आपको बता देता हूँ what supplements that I use. और मेरे पास कुछ ब्रांड्स हैं वो मैं दिखाऊंगा, आप कोई भी ले पाएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ब्रांड्स की हम बात करेंगे, राइट? सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखें एंड तक, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर आपने स्किप किया तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए छूट जाएगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल शो यू. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है लोगों को कि प्री वर्कआउट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. आई प्रेफर कि आप ना लें, क्योंकि मैं सिर्फ एक कॉफ़ी पीता हूँ. आप 20 मिनट के पहले एक कॉफ़ी पी सकते हैं सो दैट आपकी जो एड्रेलिन जिसे हम बोलते हैं, वो एड्रेलिन आता है कैफीन से, तो प्री वर्कआउट में भी कैफीन होता है. उसके अलावा उसमें दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, जैसे कि सिट्रलिन होता है, आपका एलार्जिनिन होता है, तो वो क्या एक पंप में भी हेल्प करते हैं. मतलब आपका कंट्रोल जो है बॉडी पे वो रहता है कि पर्टिकुलर मसल पे, मतलब टारगेट होते हैं, फोकस्ड होते हैं, राइट? सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप गैट का नाइट्राफ्लेक्स ले सकते हैं, जो कि आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट अदर देन दैट वो आपके बजट में नहीं है, सो प्लीज़ डोंट यूज़. अदरवाइज़ मैंने आज तक कॉफ़ी ही पी है, मैंने शायद कल ही फर्स्ट टाइम वो पिया है. सो इट मेक्स यू फील गुड, बट वर्थ ऑफ मनी नहीं होता अगर आप बजट से बाहर नहीं जाना चाहते. सो जस्ट कॉफ़ी इनफ है. 20 मिनट पहले वर्कआउट लेते हैं तो 20 मिनट पहले आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, राइट? सो उसके बाद अगर हम बात करें तो वे प्रोटीन वी नीड रिक्वायर्ड, राइट? अगर मैं गेनिंग कर रहा हूँ, मैं लीनिंग कर रहा हूँ, वो मेरे बजट पे भी डिपेंड होता है. मेरा बजट अगर मेरे को अलाउ कर रहा है सिर्फ वे प्रोटीन, आइसो प्रोटीन नहीं कर सकता, विच इज़ प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो अगर मैं बजट से बाहर नहीं जाना चाहता तो मैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन पे स्टक रहता हूँ, जो है वे प्रोटीन. तो वे प्रोटीन क्या होता है, मैं आजकल जो यूज़ कर रहा हूँ मसल टेक का नाइट्रोटेक वे गोल्ड. एक्चुअली मैंने इससे पहले बहुत से प्रोटीन यूज़ किए हैं एक्चुअली, और ये मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है. अगर मैं थोड़ा बल्किंग पे हूँ या शेडिंग पे भी हूँ, मेरे को हर फेज़ में इसने हेल्प करी है. सो दिस इज़ गुड. और इसके अंदर आपको एक स्कूप में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है और 5.5 ग्राम ऑफ BCAAs मिलता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, विच हेल्प्स यू टू रिकवर, मतलब आपके मसल को रिकवर करने के लिए हेल्प करता है. और 4 ग्राम ऑफ ग्लूटामिन एन, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है जब आपकी मसल ब्रेक डाउन होती है उसको फास्ट रिकवर होने के लिए, राइट? सो फास्ट रिकवर होने के लिए आपको ग्लूटामिन हेल्प करता है. और अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो आप कोई भी ब्रांड पे जा सकते हैं, मैंने जस्ट दिखाया है कि मैं इन दिनों क्या यूज़ कर रहा हूं, राइट? और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं प्री वर्कआउट में, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्री वर्कआउट मील वीडियो भी है, एक पूरे दिन का डाइट प्लान, नवरात्रि स्पेशल था, बट उसमें एक मील था जो मैं कॉमन लेता ही हूँ प्री वर्कआउट मील, ओट्स एंड 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन. तो आजकल मैं पिछले कई महीनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल ब्लेज का वे गोल्ड. दिस इज़ ऑल्सो गुड. इसमें आपको मिल जाता है 30 ग्राम ऑफ, इसमें 30 ग्राम का स्कूप है और जो आपका प्रोटीन है इसके अंदर जो आपको मिलता है वो 25 ग्राम है, तो विच इज़ गुड इनफ. और इसका अब्जॉर्प्शन भी अच्छा है. इससे पहले मैं बायोजाइम यूज़ कर रहा था हेल्थ कार्ड का, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट. ये भी अच्छा है प्रोटीन, प्री वर्कआउट में मैं इसको लेता हूँ, पोस्ट वर्कआउट में मैं नाइट्रोटेक वे गोल्ड लेता हूँ, राइट? आप ले सकते हैं. और उसके अलावा अपने पास होता है इंट्रा वर्कआउट में, हम क्या लें इंट्रा वर्कआउट में, मैं मसल ब्लेज का ही BCAA Pro लेता हूँ, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और BCAAs हैं और ग्लूटामिन है, तो मेरी जो मसल रिकवरी है वो थोड़ी फास्ट होती है, क्योंकि मेरा जो मैं वर्कआउट करता हूँ मैं शायद 45 मिनट्स या 1 आवर के अराउंड करता हूँ, तो उसमें क्या होता है मसल रिकवरी बहुत ज़रूरी है. और इसमें आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलाइन का जो रेशो है वो 2:1:1 है, राइट? सो जो आपको बहुत हेल्प करता है मसल रिकवरी में, विच इज़ गुड इनफ. उसके अलावा बात करते हैं हम कुछ एड ऑन्स की, वो नेसेसरी होते हैं. मसल ब्लेज का मल्टीवाइटम मैं यूज़ करता हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं एड ऑन्स में यूज़ करता हूँ Omega-3, विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, लाइक आपके जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए, राइट? और आँखों के लिए. सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी. एंड अदर देन दैट मैं यूज़ करता हूँ, जो कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, दिस प्रोटेक्ट्स योर लीवर, मिल्थिसल टैबलेट, मसल ब्लेज की है ऑल्सो मसल ब्लेज,
तो मेल्थसेल क्या करता है, आपके जो डाइट हैं, जो मील हैं, जो आप हैवी खाते हो, दिन में 6 6 8 8 मील खाते हो, वो आपको हेल्प करता है आपके लीवर को फैटी होने से, उसके जो एंजाइम्स हैं वो बढ़ने से. सो ये एड ऑन्स हैं और नेसेसरी हैं, बहुत नेसेसरी हैं. लोगों के डाइट में मल्टी वाइटमिन्स पूरे नहीं होते, क्योंकि वाइटमिन्स कैसे पूरे नहीं होते, आप पूरा पूरा दिन हर चीज़ को देख के नहीं खा सकते कि इसमें B12 है, B6 है, इसमें वाइटामिन सी है, इसमें डी है, जो भी है तो आप नहीं खा सकते. तो दैट्स वाई वी यूज़ मल्टी वाइटामिन ना. और उसके अलावा अगर मैं दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा वो नेसेसरी हैं, लोगों के टेस्टोस्टेरोन जो बूस्ट नहीं होते, मतलब इट्स नॉट कि बूस्ट नहीं होते, मतलब उनका रूटीन ऐसा है, डाइट हैबिट नहीं है, तो उस ईटिंग हैबिट को चेंज करें पहले. और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कहीं भी आप लेंगे एक सफ़ेद मूसली और हिमालय का वो आता है, हिमालय का अश्वगंधा, आप उनमें से एक एक टैबलेट आपके ब्रेकफास्ट पे ना ऐड करके उसको बेड टाइम पे ऐड करें, जेन्युइनली आपको एक एनर्जी, पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, पूरा दिन अच्छा रहेगा, और इट्स ऑल्सो बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल, राइट. सो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, वो एड ऑन्स है, मैं आपको दिखा नहीं रहा, आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं, दिस इज नॉट, दैट इज़ नॉट सप्लीमेंट, वो नॉर्मल मेडिसिन है. उसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जेरी फोर्ट करके ना एक टैबलेट आती है हिमालय की, मैं इसको क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो टैबलेट है ये एक सिस्टमेटिक करेक्टिव टैबलेट है, मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो आप खाते हैं, उसका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस जो होता है, जो आप ईट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प जो होता है वो मेटाबॉलिज्म का होता है. तो मेटाबॉलिज्म करेक्टिव टैबलेट है, इसको ब्रेकफास्ट के बाद आप एक या दो टैबलेट ले सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म करेक्ट होता है, जिसका स्लो है उसका फास्ट हो जाता है, जिसका फास्ट है उसका स्लो हो जाता है, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो गुड. और मैं यहाँ पे दो एड ऑन्स की और बात करना चाहूँगा, वो एड ऑन्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ. एक सबसे नेसेसरी, मतलब जो आपकी एक सेक्स लाइफ को भी, आपके स्ट्रेस टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेगा, आपकी एंटायर लाइफ में, मतलब आपकी एक एनर्जी रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे पूरा दिन. एक मेडिसिन आता है, या आपका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, पर सप्लीमेंट इज़, और मतलब बहुत लोग बजट से बाहर नहीं जाना चाहते और बजट में अफोर्ड नहीं कर पाते. सो आई रिकमेंड, एक ना टैबलेट आती है जिंकोनिया 50 mg, विच कंटेन्स जिंक 50 mg, राइट. तो जिंक क्या करता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल होता है उसको मेंटेन करते हैं, एंड इवन व्हेन वी हैव सेक्स वी आर लूजिंग आर जिंक, राइट, जिंक एंड मैग्नीशियम. तो ये दो चीज़ें हैं, अगर इनका आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल सेपरेट मेडिकल स्टोर से मेडिसिन भी ले सकते हैं इनकी. खुद से प्रेफर करूँ तो आप टैबलेट्स लें, अगर आपका बजट है, अच्छा है, तो आप एक ZMA करके सप्लीमेंट आता है किसी भी कंपनी का, वो भी आप ले सकते हैं, राइट. सो वो क्या करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट रखेगा, आपका वर्कआउट अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, आप उसे प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं, या फिर आप उसको रात में भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स आपको कैसे सूट कर रहा है, क्योंकि सबकी बॉडी अडेप्ट करती है, किसी भी नेचर में अडेप्ट हो जाती है. अगर मैं आज उसको कटिंग फेज में डाल रहा हूँ, उसको कम पानी दे रहा हूँ, कम नमक दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो वो अडेप्ट करेगी उस सिचुएशन में, थोड़ा टाइम लगेगा बट करेगी अडेप्ट, और अडेप्टेशन के बाद हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट. पहले वो थोड़ा रिएक्ट करती है, देन वो धीरे धीरे उसमें ढलती है. तो वही चीज़ है, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी के अंदर चीज़ें डालेंगे, जिस हिसाब से डालेंगे, वो उसी तरह से रिजल्ट देगी, राइट. सो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको अपनी बॉडी में क्या क्या ऐड करना चाहिए. तो आई होप ये आपको हेल्प करे, अगर हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और मेरे को प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आप वहाँ फॉलो करेंगे तो मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा डेली वर्कआउट शेड्यूल में एवरीथिंग आई अपलोड दें, मैं वहाँ पर सब बहुत एक्टिव रहता हूँ. सो प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ पर फॉलो करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू.